अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप लोग यूएई के अंदर से अपना पाकिस्तान एचबीआर डिजिटल रोशन अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक देखना है, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको एक एचबीआर का अकाउंट बना के सिखाने वाला हूँ। इस अकाउंट के आपको फ़ायदे क्या हैं, आप अपने यूएई से जो है अपने अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अपने अकाउंट से किसी को भी इजी पैसा कर सकते हैं, या आप लोग जब छुट्टी जाते हैं वहाँ पे जाके आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक असिस्टेंट दिया जाता है जो आपकी हेल्प करता है कि आप जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस असिस्टेंट को ईमेल करते हैं, या उसका मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं, उसको ईमेल करते हैं तो आपको जो है वो गाइड करता है। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोग एक एचबीएल का अकाउंट बना सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले जो बंदे तो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक देखा करो, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और चले जाते हैं। अगर आपके काम की वीडियो ना हो तो फिर बेशक वीडियो को छोड़ के चले जाओ, लेकिन आपके काम की वीडियो है, कोई भी दोस्त आपसे पूछ सकता है यार एचबीएल का अकाउंट कैसे खोलते हैं, मुझे भी बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, चेक करते हैं कैसे हम लोग जो है अपना एक एचबीएल का अकाउंट बना सकते हैं। वीडियो को यहीं पे लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपने अपने लैपटॉप में ब्राउज़र खोल लेना है, क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। उसके सर्च में आके आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने लिख लेना है एचबीएल डिजिटल अकाउंट। ओके, ये लिख कर आपने सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे, यहाँ पर ये हमारा अरबी में है तो हम लोग इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये आ चुका है, एचबीएल की वेबसाइट आ गई है www.hbr.com, ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपने लिखा हुआ है रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानी एचबीएल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके क्लिक ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग लेगा और आप लोग जो है एचबीएल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको ये इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन डिजिटल रोशन अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट का है वो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास होना क्या क्या चाहिए। आपके पास आपके एक पासपोर्ट कॉपी होना चाहिए, एक वीजा कॉपी होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए, और आपके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी होनी चाहिए और इमरस आईडी की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और आपके पास पे स्लिप होनी चाहिए जिसके ऊपर आपकी सैलरी मेंशन हो और कंपनी की स्टैंप लगी हो। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आपने इसके लिए अप्लाई करना है। और आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए, वो तो नॉर्मली सबके पास ही होती है। तो सबसे पहले जहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ के ऊपर आके क्लिक करना है, ठीक है, आपके पास ये वाला जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने करना है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा प्लीज इंटर योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं जल्दी से अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ईमेल लिखने के बाद आपने करना कि आपने यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट का कैप्चा जो इसको फिल कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इसके ऊपर टिक चेक मार्क आ जाता है। उसके बाद आपने करना कि यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और उसके बाद आपके ईमेल के ऊपर एक ओटीपी कोड आएगा, वो ओटीपी कोड आपने यहाँ पर लिख लेना है। मेरा ओटीपी कोड आ चुका है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 925814। ओके, ओटीपी लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सबमिट ओटीपी इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये लोडिंग लेगा और आपकी जो फॉर्म एप्लीकेशन का वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने तीन स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, सेकेंड स्टेप में आपने अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, और थर्ड स्टेप में आपने जो है जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो आपने अटैच करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने ये पूरा फॉर्म फिल कर लेना है, यहाँ पर ले सकते हैं बहुत बड़ा फॉर्म है, तो आपने इसको फिल कर लेना है। मैं यहाँ पर एक एक करके आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर ये फिल करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल, ठीक है, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल। ओके, टाइटल में आने के बाद आपने करना क्या, यहाँ पर आपने प्लीज सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर आप तो लड़की हैं तो मिसेज लिख लें, अगर लड़का है तो मिस्टर लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फुल नेम देना है, नाम आपने वही लिखना है जो आपका पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे मदर नेम दे देना है, आपका मदर नेम जो है वो आपने यहाँ पर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं,
या आप डिवोर्सेज जो भी यहाँ पे हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है जी आईडी टाइप डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, सन्यासी कार्ड का सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपने अपना आईडी डॉक्यूमेंट्स नंबर के आगे आपने अपना पाकिस्तानी आईडी कार्ड का नंबर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी इशू डेट ऑफ इशू, किस डेट को आपका जो आईडी कार्ड है वो इशू हुआ था वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्री लिख लेना, कौन सा कंट्री, जाहिर सी बात है पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर दे लेना यहाँ पे पासपोर्ट नंबर में। उसके बाद आप जाते हैं कंट्री ऑफ बर्थ, कि आप किस कंट्री में पैदा हुए थे, यहाँ पर आप जिस कंट्री में पैदा हुए हैं वो कंट्री आपने यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, किस कंट्री में आप अभी मौजूद हैं वो कंट्री आपने यहाँ से रख लेना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओके। उसके बाद आपकी नेशनलिटी कौन सी है, पाकिस्तान की है ऑब्वियसली। उसके बाद डू यू हैव डुअल नेशनलिटी, यहाँ पर आपने क्या करना है, नो के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या कहना है, ओपिनियन, ओपिनियन या प्रोफेशन में आपने आपकी क्या जो जॉब है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, यहाँ पे आपको नजर भी आ जाएगा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है या बिजनेस वूमेन है। उसके बाद यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने जो आपका जो डिजिग्नेशन है, जो आप काम करते हैं वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं जी कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने यहाँ पर अपना ई मेल दे देना है, जो भी ई मेल आपका चल रहा है वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर, जो इस कंट्री का, जिस कंट्री के अंदर आप मौजूद हैं वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दे देना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस है, रेजिडेंस एड्रेस में आपने वही लिखना है जो आपका मौजूदा एड्रेस है, जिसके ऊपर आपका एटीएम कार्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने अपना वर्किंग वर्किंग एड्रेस दे देना है, ठीक है, यहाँ पर अपने वर्किंग एड्रेस दे देना है, ठीक है, जो भी आप ऑफिस का आपका एड्रेस है, इधर आप काम करते हैं वो अपने एड्रेस यहाँ पे दे देना है, आप सेम भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी यहाँ पर अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप में आप यहाँ से बहुत तीन चार किस्म का अकाउंट है, यहाँ पर आप यूएस डॉलर में भी रख सकते हैं, उसके बाद पीकेआर में भी रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इस्लामिक भी रख सकते हैं, जो आप चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यू डू यू वांट डेबिट कार्ड, तो आपने यहाँ पर यस करना है, और यहाँ पर आपके डेबिट कार्ड के ऊपर क्या नाम होगा वो नाम आपने यहाँ पर लिखकर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरा जो है फॉर्म फिल कर दिया, फिल करने के बाद आपने करना क्या है, सिंपल सेफ एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी लोडिंग ले रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो है सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा, सेकंड स्टेप में क्या क्या डिटेल देनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने क्या करनी है, यहाँ पर आपने अपनी कंपनी की डिटेल देनी है, ठीक है, क्या कंपनी आपकी, क्या काम करती है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, उसके बाद आपकी सोर्स ऑफ फंड क्या है, यहाँ पर आपने सैलरी सेलेक्ट कर लेना है, नेचुरल ऑफ बिजनेस यहाँ पर आपने क्या करना है, अदर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने अपनी मंथली इनकम लिख लेनी है, और यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने किसी को कुछ नहीं छेड़ना, यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है अपना कंट्री फर्स्ट नंबर में, ठीक है, जो भी आपका कंट्री है, यहाँ पर मैं यूएई सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने यूएई का जो ईमेल आईडी है उसका नंबर यहाँ पर एंटर दे देना है। तो उसके बाद सिंपल सा आपने यहाँ पर सेफ एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना ईमेल आईडी का नंबर दे के आपको फॉर्म फिल करके आगे बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पूरी डिटेल दे दी है, डिटेल देने के बाद आपने करना क्या है, सिंपल सा सेफ एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट स्टेप में आपने करना कि अपनी पासपोर्ट फोटो, एक पर्सनल फोटो सब कुछ अटैच करनी है, और उसके बाद आपने से आपका जो काम है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्टेप हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं, तीसरा स्टेप आ चुका है। यहाँ पर हमने सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पर ये बोल रहा है डू यू वांट टू अपलोड अ लाइव इमेज, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इसको नो कर देते हैं, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर में बना रहे हैं तो हमको यहाँ पे लाइव इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल में बनाते हैं तो आप यहाँ पे लाइव इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने नीचे यहाँ पे आ जाना, यहाँ पर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं। क्या क्या अटैच करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर आपने अपने एक व्हाइट कलर के व्हाइट पेपर के ऊपर साइन करने हैं। उसके बाद आपने उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद आपने करना कि यहाँ पर पासपोर्ट साइज इमेज एक अटैच करनी है। तो हम लोग यहाँ से अपनी इमेज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने फोटो रखी हुई है और यहाँ पे अटैच कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैच हो चुकी है।
उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्कैन पासपोर्ट फर्स्ट टू पेज PDF ओनली। आपकी जो पासपोर्ट की इमेज है फर्स्ट टू पेज है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने। तो यहाँ पे मेरे पास पासपोर्ट और वीजा कॉपी है वो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है जी प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस PDF ओनली। यहाँ पर भी आपने अपने पासपोर्ट और वीजा की कॉपी जो है सिलेक्ट अटैच कर देनी है। ओके उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है जी प्रूफ ऑफ प्रोफेशन सिक्योर्स ऑफ इनकम PDF वैलिड विद इन 3 मंथ। 3 मंथ की आपने अपनी पे स्लिप होती है वो यहाँ पर अटैच कर देनी है। यहाँ पे वो दे सकते हैं पे स्लिप, अगर आपके पास पे स्लिप नहीं है तो आप सैलरी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो भी आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज सिलेक्ट ID डॉक्यूमेंट PDF ओनली। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सनासी कार्ड को फ्रंट पेज, ओके ये सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे अपना जो पाकिस्तानी ID कार्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। ओके उसके बाद यहाँ पे जी फिर दोबारा सिलेक्ट करना है और सनासी कार्ड की बैक साइड है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको भी अटैच कर देना है। यहाँ पे हम इसको भी अटैच कर देते हैं दोबारा से। ओके उसके बाद लास्ट पे आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है जी प्लीज सिलेक्ट IRS फ्रॉम टाइप ऑफ US रिटर्न। आपने इसको खाली छोड़ दो, इसको कुछ भी नहीं करना है। ओके आपने नीचे आ जाना, यहाँ पर नीचे आपको मिल जाता है बाई क्लिक दी चेक बॉक्स एंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ माई डिटेल अलॉन्ग विद दी माई सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ओपनिंग। इसको आपने क्या करना है, चेक मार्क कर देना है। ओके ये सारा कुछ करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैंने सब डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लिया है, यकीन यहाँ पर मैंने जो सिग्नेचर की कॉपी नहीं रखी हुई थी वो मैं यहाँ पे जल्दी से अटैच कर लेता हूँ। उसके बाद आगे आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब मैंने आ चुका हूँ, यहाँ पर मैंने सब डिटेल दे दी। हम लोग यहाँ पे फिर हमारा जो है सिग्नेचर की रह गई थी, तो हमने सिग्नेचर की यहाँ पे PDF बना के लगा ली। ये सब करने के बाद आपने सिंपल सा यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे लास्ट पे आने के बाद आपने करना है सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे तीनों स्टेप हैं वो कम्प्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टेम्परेरी जो अकाउंट नंबर है वो मिलेगा, जिसके बाद आपको जो नंबर है वो एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार रीड करके आपको दिखा देता हूँ। योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिट, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट ऑफ HBL टू ओपन द रोशन डिजिटल अकाउंट। यू मे यूज दिस अकाउंट आफ्टर 2 वर्किंग डेज। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 2 दिन के बाद आप लोग ये अकाउंट है जो वो यूज कर सकते हैं। 2 दिन के बाद आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल में अगर इनका आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो आपसे मांगेंगे, नहीं तो आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट कर देंगे। और आपके पास उसके बाद आपका जो ATM कार्ड है वो भी आपको मिल जाएगा जो आपने एड्रेस दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है ईमेल अकाउंट की एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब हम लोग 2 दिन वेट करते हैं, उसके बाद आगे आपको वीडियो बनाऊंगा कि क्या ईमेल आता है, उसके बाद कब मेरा जो बैंक कार्ड आता है कैसे एक्टिवेट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।